हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मुंबई का फेमस बटाटा वड़ा की सीक्रेट रेसिपी शेयर करूंगी। इसे आलू बोंडा भी कह सकते हैं। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बनाना शुरू करते हैं मुंबई का फेमस बटाटा वड़ा। 1 किलो थोड़ा छोटी साइज का आलू लिया है, इसे मैंने पानी से अच्छे से धो लिया है। अभी हम इसे कुकर में डाल देते हैं। इसमें पानी डाल देते हैं। इसमें हमें बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, मैंने सिर्फ 2 कप पानी डाला है। इसमें हम बहुत ज्यादा पानी डालेंगे तो आलू ज्यादा कुक हो जाएगा और फट जाएगा, तो अंदर पानी चला जाएगा और हम जो आलू वड़ा का स्टफिंग बनाएंगे वो एकदम लूज होगा। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक डालने से आलू कुक होके फटेंगे नहीं और इसमें पानी नहीं जाएगा। ढक्कन लगा के इसे 3 से 4 सीटी तक कुक कर लेते हैं। आलू को मैंने मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी तक कुक किया है। कुकर ठंडा हो गया है, देख लेते हैं कुक हुआ है कि नहीं। नाइफ डाल के देख लेंगे। आप देख सकते हैं नाइफ जो है वो आसानी से आलू के अंदर जा रही है और आलू बहुत ही अच्छे से कुक हुआ है। आप देख सकते हैं कहीं से भी ये फटा नहीं है। इस तरह का हमें आलू बॉईल करना है। आलू ठंडा होने के बाद मैंने इसका छिलका निकाल दिया है। इसे हम हाथ से इस तरह से रफली मैश कर लेते हैं। वड़ा के लिए मसाला क्रश कर लेते हैं। 6 से 7 तिक्खी वाली हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं। 19 से 20 लहसुन की कली ली है और 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का लिया है। हम मिक्सर जार में डाल देंगे, अदरक को चॉप करके डाल देंगे। इसे हम रफली क्रस करेंगे, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनानी है। मसाला मैंने ग्राइंड कर दिया है। इस तरह से हमें एकदम रफली इसे ग्राइंड करना है। कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे। कढ़ाई को तेल से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। तेल गरम हो गया है, 1.5 टीस्पून राई डालेंगे। राई क्रेकल हो रही है। 1 टेबलस्पून उड़द दाल को पानी से धो के इसे कपड़े से पोंछ के लिया है। अगर आप इसे पानी से नहीं धोए तो कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ के भी ले सकते हैं। ये डाल देंगे। गैस की फ्लेम धीमी रखेंगे। 1 टीस्पून जीरा। उड़द दाल को धीमी आंच पे लाइट ब्राउन होने तक भून लेते हैं। उड़द दाल का एकदम थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, तभी हम इसमें 2 टीस्पून साबुत धनिया को मैंने रफली कूट लिया है, ये डाल देंगे। धीमी आंच पे ही इसे अच्छे से भुनना है। 2 स्ट्रिप करी पत्ता डालेंगे। मसाला हमने क्रश किया है, ये डाल देंगे। अच्छे से चला लेंगे। मसाला धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन जो है वो निकल जाए। मसाला 2 मिनट के लिए भून लिया है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा मैं और डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक भी हम इसी में मिला देंगे। अभी मैं 2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, बाद में इसे टेस्ट करके फिर नमक डालेंगे। मसाला एकदम अच्छे से भून गया है। आलू हमने हाथ से क्रश करके रखा है, ये डाल देंगे। गैस की फ्लेम धीमी रखेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से थोड़ा दबाते जाना है और इसे मिक्स करना है। इसे हम थोड़ा पोटैटो मैशर से मैश कर देंगे। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करेंगे, थोड़ा ही इसे मैश करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, गैस ऑफ कर देंगे। 1/2 कप हरा धनिया डाल देंगे। ऊपर से मैं 2 से 3 कली लहसुन की कद्दूकस करके डाल रही हूँ। ये कच्चा लहसुन डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आपको ये कच्चा लहसुन डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 से 1.5 नींबू का रस डाल देंगे। हरा धनिया, नींबू का रस, ये सब हमें गैस की फ्लेम बंद करके ही डालना है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून जितना नींबू का रस मैंने डाल दिया है। फ्रेंड्स, इसमें मैं बघार में हींग डालना भूल गई हूँ, तो मैं ऊपर से 1/2 टीस्पून हींग डाल रही हूँ। आप हींग बघार में ही डाल के मिक्स कर ले। आलू का मसाला रेडी हो गया है। ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक इसे ठंडा होने देंगे। इसे टेस्ट करके देख लेना है। अगर नमक आपको कम लगे तो आप अपने हिसाब से थोड़ा डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। बैटर बनाने के लिए 250 ग्राम बेसन लिया है। ये 2.5 कप बेसन है। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर।
एक चौथाई टीस्पून हल्दी पाउडर, एकदम थोड़ी सी, दो पिंच जितनी है ये, एक चौथाई टीस्पून हींग मिक्स कर लेंगे। एकदम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर बनाएंगे। बटाटा वड़ा का बैटर हमें एकदम गाढ़ा रखना है। बैटर को हमें इतना गाढ़ा बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो वड़ा जो है वो अच्छे से कोट नहीं होगा। मैंने इसमें 1 कप और 3 टेबलस्पून पानी डाल के मिक्स किया है। कभी कभी बेसन की क्वालिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा पानी लग सकता है, तो आप उस हिसाब से पानी डाल के बैटर बनाए। और मैं आपको बताना भूल गई कि पहले मैंने बेसन को छान के लिया है। बेसन को हमें छान के ही लेना है, तो इस तरह का एकदम स्मूथ बैटर हम आसानी से बना सकते हैं। बेसन को अगर हम बिना छाने लेंगे तो इसमें लम्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा और स्मूथ बैटर नहीं बनेगा। इसे ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट रेस्ट देंगे। हरा धनिया और पुदीने की चटनी बनाएंगे। 4 हरी मिर्च, 15 से 20 लहसुन की कली ली है, 4 टेबलस्पून रोस्टेड चना दाल। चना दाल के बदले में अगर आप मूंगफली डालें तो 3 टेबलस्पून ही डालना है। 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून नमक या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून जीरा, 1 लींबू का रस डालेंगे, 3 से 4 आइस क्यूब डालेंगे। आइस क्यूब डालने से चटनी का कलर एकदम ग्रीन रहता है। 2 कप हरा धनिया को 3 से 4 बार अच्छे से पानी से धो लिया था और इसे बारीक काट के लिया है। ये हम मिक्सर जार में डाल देंगे। 1 कप फुदीना को भी 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो के लिया है। इसे ग्राइंड कर लेते हैं। चटनी को मैंने ग्राइंड कर दिया है और आप देख सकते हैं चटनी का कलर कितना हरा दिख रहा है। हरा धनिया फुदीना की चटनी भी रेडी है। आलू का हम बॉल बना लेते हैं। आपको जितना बड़ा बड़ा बनाना हो उतना आप बना सकते हैं। इस तरह से बॉल बना लेते हैं। बैटर में हम डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून गरम तेल। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आलू का बॉल हमने बनाया है वो बैटर में इस तरह से हम डिप करेंगे और इस तरह से निकाल के हम गरम तेल में डालेंगे। तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा बैटर डाल के देख लेते हैं। आप देख सकते हैं तेल गरम हो गया है। तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम गरम करना है तेल को। अगर एकदम गरम तेल में हम वड़ा डालेंगे तो डालते ही वो लाल हो जाएगा, तो इसे मीडियम गरम ही करना है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे इसे उलट पलट के। वड़ा लाइट ब्राउन हो गया है तो इसे हम निकाल देते हैं। इस तरह से बाकी का वड़ा भी फ्राई कर लेते हैं। वड़ा तेल में डालेंगे तभी गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखना है। हरी मिर्ची को अंदर मैंने 1 कट लगा के लिया है। इसे हम गरम तेल में डाल के फ्राई कर लेते हैं। हरी मिर्ची को इस तरह से ही फ्राई करना है, नहीं तो ये उड़ के बाहर आ सकती है। मुंबई स्टाइल बटाटा वड़ा और हरी चटनी रेडी है। मैंने इसे लहसुन की चटनी के साथ सर्व किया है। लहसुन की चटनी की रेसिपी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप इस पर चेक कर सकते हैं। बटाटा वड़ा बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।